ध्यान दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आपकी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के एकमात्र शुभ समाचारों का बुलेटिन आपकी न्यूज में। हम आपको रोज की जिंदगी से जुड़ी खबर बहुत डिटेल में दिखाते हैं। आज की खबर भी कुछ ऐसी ही आपके काम की है। फेस्टिवल या फेस्टिव सीजन में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को दिवाली का बहुत शानदार तोहफा दिया है। रेल यात्री अब सिर्फ एक पैसे में 10 लाख रुपए का रेल यात्रा बीमा हासिल कर सकते हैं। ट्रेन पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई यात्रा बीमा योजना के तहत सिर्फ एक पैसे की मामूली दर पर बीमा कवर मिल रहा है। इससे पहले 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर के लिए आपकी जेब से 92 पैसे जा रहे थे। IRCTC ने ये स्कीम 1 सितंबर से शुरू की थी। आपका यहाँ ये जान लेना बेहद जरूरी है कि IRCTC ने बीमा प्रीमियम की राशि 92 पैसे से घटाकर 1 पैसे 31 अक्टूबर तक के लिए की है। इस योजना के तहत 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन बुक किए जाने वाले सभी टिकट्स पर यात्रा बीमा के लिए सिर्फ 1 पैसे का प्रीमियम यात्रियों से लिया जा रहा है। IRCTC ये स्कीम 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर चला रही है। तो त्योहारों के वक्त में ऑनलाइन शॉपिंग हो, रेस्टोरेंट में खान पान हो या फिर कुछ और, हर हिस्से का या हर किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। लिहाजा रेलवे ने अपना काम कर दिया है। 1 सितंबर से लागू 92 पैसे में दिए जाने वाले 10 लाख रुपए के बीमा कवर के प्रीमियम को अब घटाकर 1 पैसे कर दिया गया है। 10 लाख रुपए के बीमा कवर के लिए 92 पैसे की स्कीम वैकल्पिक है, यानी ऑप्शनल है, यानी ये आप पर निर्भर करता है कि बीमा की सुविधा आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। लेकिन 7 अक्टूबर से लागू 1 पैसे वाला बीमा विकल्प नहीं रहेगा, यानी 31 अक्टूबर तक रेलवे जो है वो 1 पैसे में आपको बीमा देगा। रेल मंत्रालय ने ये फैसला फेस्टिवल के चलते या फेस्टिव सीजन को देखते हुए लिया है। आप सुनिए बयान। दिवाली बोनांजा के रूप में ये पब्लिक को ऑफर किया गया है। 31 अक्टूबर तक जो ऑप्शनल इंश्योरेंस है वो हम 1 पैसे पे प्रदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑफ़र के बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफ़र को अवेल करें। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि आखिर 1 पैसे में 10 लाख का बीमा कवर कैसे मिलेगा, बताइए प्रीमियम का भुगतान कैसे होगा। देखिए, रेलवे के किसी भी क्लास के लिए जब आप टिकट बुक करेंगे तो पूरी यात्रा के किराए के साथ ही IRCTC आपके 1 पैसे एक्स्ट्रा ले लेगा। यही 1 पैसा आपको 10 लाख रुपए का बीमा कवर दे देगा, जबकि 1 सितंबर से लागू 92 पैसे में 10 लाख रुपए के बीमा कवर के लिए टिकट बुक करते वक्त आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको बीमा की सुविधा लेनी है क्या। अगर आप नहीं के विकल्प का चुनाव करेंगे तो आपको यात्रा के पूरे किराए में 92 पैसे नहीं आपसे लिए जाएंगे। ये दिवाली बोनांजा के रूप में ये पब्लिक को ऑफर किया गया है। 31 अक्टूबर तक जो ऑप्शनल इंश्योरेंस है वो हम 1 पैसे पे प्रदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑफ़र के बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफ़र को अवेल करें। रेल में आपकी महफूज यात्रा की हम कामना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपकी यात्रा हमेशा मंगलमय हो, लेकिन दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। रेलवे की 1 रुपए की नई इंश्योरेंस स्कीम के तहत अगर मुसाफिर की खुदा ना खास्ता मौत हो जाती है तो परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे में अगर यात्री पार्शली हैंडीकैप यानी कि आंशिक रूप से विकलांग हो जाए तो उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। रेल दुर्घटना में मारे गए मुसाफिरों का जो शव है वो घर तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसी भी यात्री के सामान का अगर नुकसान हो जाता है तो बतौर हर्जाना 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ट्रेन पर आतंकी हमला अगर हो जाए, किसी यात्री के ट्रेन से गिरने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा उसे। सामान्य दुर्घटना, दंगे, लूट और डकैती होने पर भी यात्रियों को बीमा की राशि दी जाएगी। तो ये तो वो सारी की सारी बीमा से जुड़ी हुई बातें थी जो आपको बताई है।
वैसे रेलवे अब आपको सिर्फ एक पैसे में 10 लाख रुपए का बीमा कवर तो देगा ही। सफर के दौरान सामान का अगर नुकसान हो जाए या फिर बदकिस्मती से हादसा हो जाए तो मुआवजा बीमा कंपनी देगी। आप कैसे इस सुविधा का हिस्सा बन सकते हैं, अब आप इसे समझिए। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अगर आप रेल में सफर करते हैं तो यकीन मानिए आपका सफर और ज्यादा महफूज होने वाला है। वो ऐसे कि IRCTC ने फेस्टिव सीजन के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर सिर्फ एक पैसे में देना शुरू कर दिया है। इससे पहले 31 अगस्त से रेल टिकट की बुकिंग करने पर आपको यही 10 लाख का बीमा 92 पैसे में मिल रहा था। ये एक दिवाली बोनांजा के रूप में ये पब्लिक को ऑफर किया गया है। 31 अक्टूबर तक जो ऑप्शनल इंश्योरेंस है वो हम एक पैसे पे प्रदान कर रहे हैं। इसमें डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे 10 लाख रुपए, अगर टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो 7.5 लाख रुपए तक, अगर इंजरी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 2 लाख रुपए तक, और अगर किसी की मृत्यु होती है तो कैरेज ऑफ मॉर्टल रिमेन्स के लिए 10,000 रुपए तक जो है दिया जाएगा। IRCTC ने रेल यात्रियों को दी जाने वाली इस स्कीम के लिए 3 इंश्योरेंस कंपनियों से करार किया है। IRCTC की वेबसाइट से रेल टिकट को बुक करते वक्त आपको इंश्योरेंस के ऑप्शन को चुनना होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 92 पैसे की स्कीम साल भर के लिए और एक पैसे में 10 लाख के बीमा कवर की स्कीम 31 अक्टूबर तक के लिए लागू की गई है। ये एक ऑप्शनल ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। कोई भी पैसेंजर, चाहे वो AC में या नॉन AC किसी में भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर IRCTC के पोर्टल के थ्रू टिकट बुक कर रहे हैं तो टिकट बुक करने के बाद उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ये सुविधा अवेल करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो हाँ में टिक करते हैं तो स्वतः वो जो है पैसा टिकट के पैसे में जुड़ जाएगा और वो उनके अकाउंट से कट जाएगा। 31 अक्टूबर तक 10 लाख के बीमा कवर की सुविधा एक पैसे में हर क्लास के टिकट पर मिलेगी, जबकि 31 अक्टूबर के बाद 92 पैसे में आपकी यात्रा लंबी दूरी की हो या कम दूरी की, बीमा का प्रीमियम सिर्फ एक पैसे ही देना होगा। बीमा के प्रीमियम का एक पैसा पैसेंजर के टिकट की रकम से जुड़ा होगा। बुकिंग के वक्त यात्री अपने रिश्तेदार को नॉमिनी बना सकते हैं। इस स्कीम की सुविधा विदेशी नागरिकों या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी। यात्रा बीमा की सुविधा से लोग काफी उत्साहित हैं। इतनी कॉस्टली टिकट्स हम लोग ले रहे हैं तो ये तो माइनर है, इतना तो ये मैटर भी नहीं करता है। तो अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, वेरी 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 गुड रेलवे की तरफ से, थैंक यू सो मच। हम लोग तो मोस्टली ट्रैवल एजेंट के साथ कराते हैं तो मोस्टली लोग डायरेक्टली जाके करा सकते हैं। नहीं ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए, एक पैसे में 10 लाख की चोर से मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे की यह इंश्योरेंस स्कीम दुनिया की सबसे सस्ती ट्रैवल बीमा योजना है। विमान में सफर करने वाले यात्रियों का 75 लाख रुपए तक का बीमा होता है, लेकिन उन्हें 2000 से 3000 रुपए तक का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। हवाई यात्रा में 1 लाख रुपए के लिए न्यूनतम प्रीमियम 26 रुपए होता है, लेकिन रेल बीमा के लिए यात्रियों को फिलहाल सिर्फ एक पैसे और 31 अक्टूबर के बाद 92 पैसे ही चुकाने होंगे। रेलवे में सफर करने वाले 59% यात्री रेल टिकट ऑनलाइन बुक कराते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर रोज करीब 32 लाख बार लॉगिन होता है। हर दिन करीब 10 लाख यात्री टिकट बुक कराते हैं, जिसमें करीब 5.5 लाख टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होती है। रेल यात्रियों के लिए यह है ना खुशखबरी। यहाँ एक बात आपको और बताना जरूरी है कि रेल टिकट को कैंसिल कराने पर बीमा प्रीमियम का पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।